गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोनाउन। ये हमारा थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर में हम प्रोनाउन के बारे में सभी प्रकार के डिटेल्स पढ़ेंगे। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। इसकी हिंदी में डेफिनेशंस होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के बारे में हमने इसकी जो डेफिनेशंस है वो इस प्रकार है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो यूज किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं नाउन के स्थान पर, उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लेके रखा है, राखी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। राखी फेल हो गई क्योंकि शी डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती थी। सी, यहाँ जो शी यूज हुआ है वर्ड, शी मीन्स वह, यहाँ जो शी वर्ड का यूज किया है ये आपका प्रोनाउन है क्योंकि ये इस राखी यानी नाउन का के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, राखी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए ये जो शी है ये प्रोनाउन है। हमारी डेफिनेशन भी वही है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसके बाद हम इसके जो पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसमें लगभग आपको अपने इंग्लिश ग्रामर में 7 प्रकार के प्रोनाउन्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बारे में हम एक एक करके सभी की डिटेल्स पढ़ेंगे। तो कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन और इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यक्तिवाचक। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऐसे वर्ड जो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हो वहाँ पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसके एग्जांपल्स हमने लेके रखे हैं, आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, मी, माय, योर, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। इसको हम आगे विद डिटेल्स पढ़ेंगे। सेकंड नंबर आता है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो निजी वाचक होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। इसके बाद है डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेत वाचक। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन संकेत वाचक, इसमें आता है दिस, दैट, दस, दोस, सच, जिन इन वर्डों का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, ये वर्ड प्रयुक्त होते हैं किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, वहाँ डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव मीन्स संबंध वाचक प्रोनाउंस, हु, हूज, विच, दैट, वॉट, ये संबंधवाचक प्रोनाउंस है। इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इन वर्ड्स से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का भी निर्माण होता है, इसीलिए हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी विभाग सूचक, विभाग कर देना, अलग अलग भागों में बांट देना, ये डिस्ट्रीब्यूट करना कहलाता है। ऐसे सर्वनाम जिससे हम किसी संज्ञा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जैसे ईच, आइदर, एनीवन, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन।
इनडेफिनिट, अनिश्चयवाचक मीन्स कि जिसका कोई निश्चय नहीं, निश्चित संख्या ना हो, वहां होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके लिए हमने वर्ड्स लेके रखे है, वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इसमें किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता है कि संज्ञा में कितना, कितने लोग हैं, कितने हैं, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन वहां पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हमने इससे पहले भी बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं सैम टू सैम, वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। हु, व्हाट, विच, जो प्रश्नवाचक वर्ड्स है इनसे स्टार्ट होने वाले प्रोनाउंस को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो प्रोनाउन टोटल 7 प्रकार के हैं, बट परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें से ओनली 4 ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और जिसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। हम उन 4 प्रोनाउंस के बारे में ही पढ़ेंगे, उनका यूज कहाँ होता है और उनके यूज करने के क्या क्या नियम है, इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे यहाँ सिर्फ। तो हम आगे चलते हैं। फर्स्ट आपके प्रोनाउन पर जो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, में, मी और योर। इसका हमने सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिख के रखा है, शी वॉन्ट टू दिल्ली बाय ट्रेन, शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, वह दिल्ली गई बाय ट्रेन से, ट्रेन के द्वारा। शी, यहाँ जो शी है यानी वह, ये आपके नाउन यानी संज्ञा, किसी संज्ञा का बोध करा रहा है। और अगर संज्ञा का बोध हो रहा है यहाँ तो इट मीन्स कि ये जो है शी एक प्रोनाउन है। इसी प्रकार पर्सनल प्रोनाउन में यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में किसी संज्ञा का बोध होता है। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में तथा दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु कहाँ रखी है, इसके लिए भी पर्सनल प्रोनाउन, जैसे सी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, शारिका एंड मी आर लाइक टू गो देयर, सारिका एंड आई लाइक टू गो देयर, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। इसका हम यदि कोई प्रोनाउंस जब वर्ड या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हो तो उसमें नॉमिनेटिव केस में अगर रखा जाता है तो वहां पर भी हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इसके लिए हमने एक पर्सनल प्रोनाउन के यूजेस में एक नियम भी है, लेट अथवा किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउंस आता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ प्रोनाउन, इसको सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में यहाँ आपको बता दे कि सेल्फ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को प्रोसेसिव केस या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में हमको किसी को व्यक्त करना होता है, वहां पर सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, दिस इज all our types of reflexive pronoun। तो reflexive pronoun को के लिए एक बार आप फिर जान लीजिए कि जब किसी first person और second person के बीच में कोई तुलना करनी हो वहां पर हम reflexive pronoun का यूज करते हैं। reflexive pronoun का हमने एक यहाँ उदाहरण लेके रखा है, they enjoyed themselves in the party, वे सब एक पार्टी में इंजॉय कर रहे थे सब मिलकर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ प्रोसेसिव केस होना भी अत्यंत आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव केस अगर इसमें आता है तो हम सिंगुलर नंबर में सेल्फ और प्लूरल नंबर में
सेल्व्स लगाकर नया प्रोनाउन बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव केस है कोई, तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ड आता है तो वहाँ सेल्फ लगाएंगे, और अगर प्लूरल वर्ड आता है तो वहाँ सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे, देमसेल्व्स, और वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे दे एंजॉयड देमसेल्व इन द पार्टी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर के नाउन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दीज, दे, दस, दो, सच, ये सारे वर्ड्स निकट एवं दूर की वस्तुओं को का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दीज का प्रयोग निकट की वस्तुओं का बोध कराने के लिए किया जाता है, यह सिंगुलर तथा प्लूरल दोस्त का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, आप कभी भी याद रखिए कि डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स किसी भी प्रोनाउन का, जिस इस प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग दूर के नाउन का बोध कराने के लिए किया जाता है। दूर एवं निकट अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका बोध कराने के लिए डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्ड का यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले मेन वर्ड्स जो है वो है दीज, देयर, दस, दोज और सच। एग्जांपल के लिए लेके रखा है हमने दिस इज अ पैन और दैट इज अ पैन। दिस का प्रयोग निकट की वस्तु, निकट जो रखी हुई सामने वस्तु है उसका बोध कराने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंगुलर यानी एक वचन वाला वर्ड है, और इसका प्लूरल यानी बहुवचन होता है दस। इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं देट का प्रयोग दूर की वस्तु तथा व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर में दैट दैट एंड प्लूरल में इसका दोस होता है। इसके आगे हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोनाउंस में सात प्रकार के प्रोनाउंस आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है। इसमें चार वर्ड्स हमने यहाँ लेके रखे, हु, हुज, विच एंड दैट। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। रिलेटिव मतलब संबंध सूचक या जोड़ने वाला, रिलेशन जो क्रिएट करता है। चूंकि प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे कंजक्शन भी कहते हैं। कंजक्शन मतलब जोड़ने वाले वर्ड्स। हमने इसे पहले भी यहाँ डिस्कस किया था कि हु, विच, दैट, हुज ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी बनते हैं, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सबसे फर्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी वो प्रोनाउंस जो किसी वाक्य के दो भागों को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दिस इज द पेन Which I bought yesterday, या वह पेन है जिसे मैंने yesterday खरीदा था। तो इसमें which जो word है ये एक relative pronoun है, क्योंकि ये this is the pen I bought yesterday दो sentences को जोड़ने का काम कर रहा है। It means कि यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, आज का यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आगे अब
इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स और भी अच्छे वीडियो आपके सामने ला सके। थैंक यू वेरी मच।